वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। कैसा लग रहा है अपना चेंज? बहुत अच्छा। पसंद आ रहा है आपको? सबा तो तुम्हें देखकर हैरान ही रह गई थी। हाँ, और उन्होंने एक बहुत अजीब बात भी कही। छोड़ो, किसकी बातों की टेंशन ले रही हो तुम? देखना, जब तुम्हें कमाल दिखेंगे ना तो हैरान ही रह जाएंगे। किरण, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ शफा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा, कमाल के आने का वक्त हो गया है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, जब वो तुम्हारी तारीफ करे ना तो मुझे जरूर बताना कि क्या कहूँ। okay? शायदा जी, बेगम साहिबा। कमाल आ गया? नहीं, वो तो अभी तक नहीं है। इस वक्त तो आ जाता है वो। सबात भी कह रही थी साहब और वो खाना आज बाहर ही खाएंगे। कब का? थोड़ी देर पहले। समझ गई। अच्छा तुम जाओ। ठीक है। सबात तो बहुत चलाक है। हेलो, आप कब तक आएंगे? जी ठीक है। क्या बात है शफा, किससे बात कर रही थी तुम? कमाल से। अच्छा, कहाँ है वो? वो कह रहे हैं कि रात को लेट आएंगे सबाहत के साथ। Oh my God, कितनी चलाक है ये सबाह। उसको पता चल गया ना कि तुम इंतजार कर रही हो कमाल का, जब भी कमाल को घर भी नहीं आने दिया उसने, बाहर से बाहर ही ले गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शफक, मेरी बदुआ है तुम्हें, तुम जिंदगी भर खुश ना रहो। मैं दिल से तुम्हें बदुआ देता हूं, तुमने मेरी मोहब्बत को दुत्कारा है ना, तुम जिंदगी भर ना खुश रहोगी। काफी टाइम हो गया आज। हाँ वैसे टाइम का पता ही नहीं चला। आपके साथ टाइम का पता ही कहाँ चलता? आज काफी टाइम बाद भी घर से बाहर निकले। वक्त ही कहाँ होता है हमारे पास। चले आप जाए कमरे। आप कहाँ जा रहे हैं? शफक के पास। शफक तो सो चुकी होगी, डिस्टर्ब मत करें उसे। मैं देख लेता हूँ, शायद जाग रही हो। मैं कह रही हूँ उसे जल्दी सोने की आदत है, सो चुकी होगी। अच्छा चलो फिर कमरे में चलते।
लगता है काफी देर तक सोने की आदत है तुम। नहीं, वो रात को लेट सोई थी इसीलिए। क्यों, लेट क्यों सोई थी? कमाल का वेट कर रही थी। कमाल ने फोन करके बता तो दिया था कि लेट आएंगे। हाँ, लेकिन वो मैंने सोचा कि आएंगे तो मिल लूंगी। वैसे कल प्यारी लग रही थी तुम, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि कमाल तुम्हें देखे, कहीं तुम उन्हें पसंद ना आ जाती। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में तुम मजबूरी के तहत लाई गई हो सिर्फ औलाद के लिए, तुम मुझसे मुकाबला करने लगी। मैं आपसे मुकाबला क्यों करूंगी? तुम इस घर में मेरा मुकाम हासिल करना चाहती हो जो मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं करने दूंगी। और कमाल, कमाल सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे, समझी तुम? समझ गई। तो फिर ये बात याद भी रखना तुम, ये जो तुम्हारी घटिया हरकतें हैं ना, इनसे बाज आ जाओ। इनफैक्ट अपनी औकात में रहो। और ये जो तुम इस घर पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्वाब देखने छोड़ दो तुम। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस शफक की तारीफ कर रही थी कि कल बहुत प्यारी लग रही थी। कल तो तुम्हारे मुंह से अल्फाज ना निकल सके, आज तारीफें हो रही हैं। कल इसको देखकर मैं हैरान रह गई, बस इसलिए कुछ बोल नहीं सके। तारीफें हो गई हूँ ना, तो बाहर जाओ, कमाल बुला रहा है तुम्हें। जी आंटी। क्या कह रही थी ये तुमसे? कुछ भी नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रही तुम मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। चलो ठीक है, फ्रेश होके बाहर आ जाओ। जी। काम समझ में आ गया तुम्हें? जी जी सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना मिले। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपको शिकायत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जा सकते हो। सर वो आपसे एक बात करनी थी। क्या घर में से भी किसी को पिक करना होता है? मतलब? मतलब ये कि घर का भी कोई काम होता है कभी कभी। कैसे है कमाल? जैसे शोहर होते हैं। शोहरों की तो बहुत किस्में होती हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, गुस्सा करने वाले, झगड़ा करने वाले, बहुत होते हैं। बेरुखी बरतने वाले। बेरुखी बरतने वाले? हाँ। अभी से शफक, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं? ये मेरी पहली शादी है, उनकी नहीं। वो पहले ही दिन मुझे बता चुके हैं कि ये शादी सिर्फ औलाद के खातिर की गई है। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानती थी, सब कुछ जानते बूझते तुमने ये शादी की है उनसे। हाँ जानती थी। तो मेरी जान अब एडजस्ट करो। वही करने की कोशिश कर रही हूँ। घर कैसा है तुम्हारा? कोई तंगी तो नहीं है? मतलब सारा मिली थी मुझे एक दिन, बता रही थी कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है माशाल्लाह। हाँ वाकई किसी चीज की तंगी नहीं है यहाँ पर। तुम खुश हो? पता नहीं, शायद। देखो शफक, अगर तुम खुश नहीं हो ना तो खुश रहने की कोशिश करो। यानी क्यों? मैं भी तुम्हारी अम्मी की तरह सोचने लग गई हूँ। उस्मान तुम्हें मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता था, उसके पास जिंदगी की कोई आसाइश नहीं थी। क्या मोहब्बत सबसे बड़ी जागीर नहीं होती? ये बातें ना सिर्फ नॉवलों में अच्छी लगती है मेरी जान, हकीकी जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। खैर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने बड़े घर में गई हो सके तो उस्मान को भूलने की कोशिश करो, वरना वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम कर देगा। चलो मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ देखते हैं। सारा एक गिलास पानी का पिलाओ मुझे। ये
नहीं, आप कहाँ से आ रही हैं? बाजार गई थी। ये क्या चीज़ लाई हैं? तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हैं। ये देख, तुझे पसंद आएगा। इतना अच्छा सूट लाई हूँ तेरे लिए, पकड़। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? एक एक चीज पर मर रही होती है तू। आज तुम्हारे लिए मैं खरीद के लाई हूँ, आज तुम्हें नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे इन चीजों में से शफ़क आपी की खुशियों के कत्ल होने की बू आती है। बढ़िया ही फिलासफर। आपको ही मुबारक हो ये चीजें, मुझे नहीं चाहिए। बहुत ही नाशुक्री हो तुम। खुशी से लाती हूँ मैं। पानी पिला दे मुझे ठंडा। दिल से कपड़े लेकर आई थी तुम्हारे लिए, तक पे नहीं पड़े। ये तो मैंने सारा के लिए लिया था। आ जाओ। अम्मी। जी बेटा। मैं अपनी बहन सारा से मिलना चाह रही थी। हाँ तो बुलवा लो इसे घर पे। नहीं, हाँ नहीं। तो वहां चली जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी किसके साथ? ड्राइवर के साथ। जी ठीक है। अरे हाँ, वो ड्राइवर तो बीमार है। मैं कमाल को कहती हूँ, वो ऑफिस से किसी को भेज देगा। तुम जाओ, तैयार हो। जी अच्छा। हेलो कमाल। हेलो। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही थी? नहीं बस पढ़ रही थी। अच्छा सारा, मुझसे मिलोगी? आप घर आ रही हैं? नहीं, मैं उस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। तो फिर? मैं तो ये कह रही थी कि हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लूँ। ये भी ठीक है। हाँ फिर किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइविंग सीट पर बैठा था तो ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे घर में कैसे? बताता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मगर यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। चलें। शफक, मुझे लगा था कि तुमने दौलत की खातिर मुझसे मंगनी तोड़ी। अपने बॉस से इसलिए शादी की थी कि वो बहुत दौलतमंद है, और मुझसे मंगनी तोड़ने का तुमने ड्रामा किया था। ये तो बाद में पता चला था, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। किसने बताया तुम्हें? मैंने नौरीन बाजी और अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें इन बातों का इल्म था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था शफक तुम खुद के साथ इतना बुरा कर ले। उस्मान ये बातें छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, जो होना था हो गया। तुम एक बार तो मुझे बताती शफक। उस्मान बताने की कोशिश तो की थी, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैंने अपनी दोस्त सवेरा को भी तुम्हारे पास भेजा,
लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। गुस्से में था शायद। और मैं मुश्किल में थी उस्मान। कैसे मुश्किल? सारा को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था उस्मान। उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। उस लड़के को मुझे पैसे देने पड़े, इसीलिए मैंने कमाल से शादी की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने कमाल से पैसे लिए? तबाहत से पैसे दिए मैंने। और बदले में तुमने खुद को बेच दी। तो इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है उस्मान। अगर हम किसी से कर्ज भी लेते हैं ना, तो सारी जिंदगी उसका एहसान सर पर चढ़ जाता है। और चची जान, उन्होंने क्या कहा? वो तो हमेशा से चाहती थी कि घर के हालात बदल जाए। समझो सबाहत घर आई तो उनको तो ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ सोने की चुड़िया लग गई। सबाहत ने रिश्ता भेजा, उनको लगा कि बस अब तुम लोगों से रिश्ता करने का क्या फायदा है। उनकी ख्वाहिशात तो सबाहत से ही पूरी होनी थी, इसलिए खत्म कर दिया तुम्हारे साथ रिश्ता। हुआ तुमने क्यों चची जान के लालच में उनका साथ दिया? बताया तो था तुम्हें, सारा की वजह से ये फैसला करना पड़ा मुझे। और ऐसे हालात में भी मैंने तुम्हें तना छोड़। इंसाफ होते नहीं तो क्या कर लेते उस्मान? हम किसी से कर्ज मांग लेते शिफा, मैं खुद किसी से पैसे मांग लेते। कर्ज ले लेते? हमें लोग हजारों का तो कर्ज दे सकते हैं, लेकिन लाखों रुपया कौन देता हमें उस्मान? सैन, छोड़ो इन बातों को, इसलिए आप कुछ नहीं रख। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो शफक आप ही आ रहे हैं। शफक आ रही है? जी। अकेली आ रही है या कमाल के साथ? अकेली आ रही है। नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खाने माने का बंदोबस्त कर लेती। अच्छा चलो, अभी भी देर नहीं हुई, जल्दी से पका लेती हूँ। अम्मी उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? शफक आप ही बस मुझे पैक करने आ रही है, उसके बाद वो चली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस घर में दोबारा कभी नहीं आना चाहती, इसीलिए बस मुझे पिक कर रही है। मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ है। मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझ रहा हूँ सफर। सुमान, जो किस्मत में होता है ना वो होकर ही रहता है। तुम खुद को मेरा मुजरिम मत समझो। मुझे तुमसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे उस्मान। अम्मी ने तुम्हारे साथ और तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत बुरा किया। शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती तो वही करती जो तुमने किया। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करती, क्योंकि तुम मुझसे बहुत अलग हो और तुम सबसे ज्यादा मुख्तलिफ भी हो और सबसे बहादुर भी। उस्मान, मुश्किल हालात बहादुरी सिखा देते, वरना ऐसी बहादुरी तो कोई भी नहीं करना चाहता। मुझे तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था शफा, मुझे हर हालात में तुम्हारा साथ देना चाहिए था। सारा की मुश्किल का हल हम दोनों मिलकर निकाला। मुझे माफ कर दो शफा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ उस्मान, किसी भी चीज की माफी मत मांगो। लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे मेरे गुनाह की सजा बताओ, कुछ तो कहो। उस्मान, तुम ये नौकरी छोड़ दो। शफक, शफक, आंटी, शफक कहाँ है? कहीं बाहर गई है।
बाहर कहाँ? अपनी माँ की तरफ। मुझसे पूछ कर गई है, तुम्हें कोई एतराज है? मैं तो वैसे पूछ लेती हूँ। मत पूछा करो, शफक को भी हर वक्त की पूछ गछ रोक टोक नापसंद हो सकती है और इस बात से वो चिढ़ भी सकती है, और मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बहुओं का मिजाज एक जैसा हो। शाहिदा, आपे क्या हो गया? कहाँ गुम है? कहीं नहीं, परेशान लग रही हैं आप मुझे। सब ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं। तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? आपे मुझे क्या पता है यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, मैं कैसे ऑर्डर कर दूँ? मैं कमाल के साथ पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, अब मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। एक्सक्यूज मी, आप ये चाइनीज़ राइस करते और चिकन मंचूरियन करते और ऑरेंज जूस जी? प्रिया भी आपने प्राइस देखे, इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, महंगा हो जाएगा। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? पैसे हैं मेरे पास, कुछ नहीं होता। आपे आप खुश तो है ना? हाँ शायद। उस्मान भाई आप, मेरा मतलब कमाल भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, उस्मान भाई से भी ज़्यादा। हाँ शायद, फिर तो आप बहुत लकी हैं। हाँ लकी तो हूँ मैं। वैसे आप ही, आपको पता है जब मैं मम्मी को बताकर आई ना कि आप घर नहीं आना चाहती, वो बहुत दुखी हुई थी। मुझे अब कोई फर्ज नहीं है कि कौन दुखी होता है। आप मम्मी से ना बात करके उनको सजा दे रही हैं। सारा मैं किसी को भी सजा नहीं देना चाहती, चाहे वो अम्मी हो या उस्मान। उस्मान भाई क्या कह रहे थे कॉल पर? उसके पास अब कहने को रही क्या क्या है? किसकी कॉल आ रही है? सबाहत का। तो उठा लेना। हेलो, कहाँ हो तुम? सारा के साथ बाहर खाने पे हूँ। फौरन से घर आओ। क्यों? सब खैरियत है? कहाँ ना फौरन से घर आओ। जी मैं आती हूँ। क्या हुआ आप ही? सारा हमें फौरन घर जाना होगा। ये तो ख़त्म कर लूँ पहले मैं। कोई बात नहीं, मैं पैक करवा देती हूँ, लेकिन अभी घर जाना होगा। एक्सक्यूज मी वेटर, आप ये पैक कर दें और बिल ले आएं। नौकरी छोड़ दो उस्मान। उधर पैसा क्यों चाहती है? ये नौकरी जारी रखकर करोगे क्या तुम उस्मान? तो कम से कम मैं तुम्हें देख तो सकूं। लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहती उस्मान। नफरत करने लगी हूँ मुझसे। बोलो
नफरत करने लगी हो मुझसे? इससे कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? उस्मान में किसी और की बीवी हो गई हूँ, इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो। कुछ नहीं हो सकता। अपनी माँ की तरफ से, उस छोटे मोहल्ले से? जी, मैं सारा से बाहर मिली थी। बाहर कहाँ? एक रेस्टोरेंट में। वाह, रेस्टोरेंट बोल भी लेती हैं आप। चाहिए बताओ, शादी से पहले कितनी बार जाती थी तुम रेस्टोरेंट? आई ऑन दिस हाउस, ये बिजनेस मेरा है, तुम्हारे शौहर या तुम्हारी सास का नहीं। और मेरा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। और अपनी अम्मी की तरफ जाना छोड़ दो तुम, वो भी तुम्हारी तरह ना छोटी सोच के मालिक है और लालची। मुझे नहीं पसंद कि तुम बहाने बहाने से उन्हें पूरा करो। ऐसी बात नहीं है बस कर, मैं सब जानती हूँ कि कैसी बात है। ये मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने, और अपनी अम्मी की तरफ भी जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे ठीक लगेगा कि तुम्हें जाना चाहिए, खुद इजाजत दे दोगे। जी जाओ अब। शफक, शफक बेटा कहाँ हो तुम? जी अम्मी। ये सबात तुमसे क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, बस पूछ रही थी कि मैं बाहर कहाँ गई थी। जब मैं उसे बता चुकी हूँ कि तुम कहाँ गई थी, तो अलग से पूछने का मतलब? मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं अम्मी, प्लीज रहने दें, छोड़ें। क्यों रहने दूँ? अम्मी फजूल में बात बढ़ेगी, इसलिए छोड़ें। तुम सबात से इतना डरती क्यों? तुम्हारी सास मैं हूँ, वो नहीं। मैं डरती नहीं हूँ उनसे, बस मैं ये नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। खैर, तुम्हारी एक बात तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें सबात के रोब में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, रोब से नहीं, प्यार से ही समझाती हैं। घर की ऊंच नीच के बारे में ही समझा रही थी। मुझे लगता है जो दुआएं मैंने अपनी बहू के लिए मांगी थी, वो तुम्हारी सूरत में कबूल हुई है। अच्छा ये बताओ, बहन कैसी है? जी ठीक है। अम्मी से मुलाकात हुई? नहीं। अच्छा, जब दिल जाए मिल लेना जाके। अच्छा जी, शाबाश। मिला ये शफक से? जी। कैसी थी? ठीक थी, खुश थी काफी। मेरा हाल पूछा उसने? अगर वो आपका हाल जानना चाहती तो घर ना आ जाती मिलने। हाँ ये भी है, वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती। चलो तुम तो मिला आई हो ना? जी। ये किसने दिया? ये शफक आप ही ने गिफ्ट किया है मुझे। सिर्फ तुम्हें दिया? मेरे लिए कुछ नहीं भिजवाया? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे आपको अजियत हो? तो तुमने अपनी तरफ से तो कहना था ना, समझाना था उसे, क्या कि अम्मी से तो मिल जाओ। मैं उनका मजीद मूड खराब नहीं करना चाहती थी, उनका पहले से ही मूड खराब था। क्यों खराब था? पता नहीं, मैंने उनसे पूछना चाहा लेकिन उन्हें बात ही टाल दी। फिर
चलो, कभी तो माफ करेगी ना मुझे। तो मेरी बुराइयां कर रही थी अपनी सास के साथ मिलकर? नहीं, ये किसने कह दिया आपको? मैंने खुद सुने, मेरे बारे में बातें की जा रही थी। नहीं, वो तो ऐसी सरसरी सी बात हो रही थी बस। कितनी सरसरी बातें हो रही थी मैं सब जानती। लगता है तुम्हें बहुत शौक है मेरी बुराइयां सुनने का। आप इसे क्यों कह रही हैं? बल्कि मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफ? आई सी। देखो ये बात याद रखना, तुम ये बुराइयां करके मेरी सास को तो मेरे खिलाफ कर सकती हो, लेकिन कमाल को कभी भी नहीं कर सकती। याद रखना ये बात। लेकिन मैं किसी को भी आपके खिलाफ क्यों करूंगी? इस घर पे कब्जा करने के लिए? मेरा इस घर पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। गुड, सोचना भी मत। नौकरी छोड़ दो उस्मान, ये नौकरी जारी रखकर करोगे क्या तुम उस्मान? तो कम से कम मैं तुम्हें देख तो सकूं। लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहती उस्मान। नफरत करने लगी हो मुझसे? बोलो, नफरत करने लगी हो मुझसे? किसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है उस्मान? मैं किसी और की बीवी हो गई हूँ। सर, आपने बुलाया? आज ऑफिस देर से आए हो। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना। ये फाइल लो, इसे मैडम के घर लेके जाओ, उसमें साइन करवा के लाओ। मगर सर। जाओ, फौरन जाओ। ठीक। जाओ। ये फाइल लीजिए, मैडम से साइन करवा लीजिए। आप यही रुके, मैं भी करवा के लाती हूँ। तुम्हें तो यहां भी फूल मिल गए हैं शफा। उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस के काम से आया। तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हो मुझे और क्यों बार बार मिलना चाहते हो? मैंने तुम्हें कहा भी था ये नौकरी छोड़ दो। हाँ, मैंने फैसला भी कर लिया था, लेकिन लेकिन क्या? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते उस्मान? पता नहीं शफा, यही मुश्किलात में मजीद इजाफा ही कर सकते हो तुम। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ शफा। क्या देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रहम करो मुझ पर, छोड़ दो ये नौकरी। कहा ना मैंने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये लीजिए फाइल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इनको प्यास लग रही थी, तुम पानी दे दो। अच्छा, अभी लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीना, मैं चलता हूँ।